सहारा इंडिया के निवेशकों के दल ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में निवेशकों की रकम वापस दिलाने और संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सहारा इंडिया के निवेशकों को वर्षों बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका है। सहारा के एजेंट निवेशकों को भुगतान के नाम पर सालों से गुमराह करते आए हैं, जिसमें जिले भर के निवेशकों का करोड़ों रुपए डूबा हुआ है। रकम वापसी एवं सहारा के नाम पर ही संचालित एक सोसाइटी के नियम विरुद्ध संचालन को लेकर सहारा के निवेशकों ने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन सील के नेतृत्व में अपर कलेक्टर जागेश्वर कौशल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में तमाम तथ्यों से अवगत कराते हुए निवेशकों की रकम वापसी और सहारा के संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन की जानकारी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कि वर्ष 2015 में रिजर्व बैंक ने पूर्ण रूप से उसको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था, परंतु सहारा इंडिया कंपनी और उसके एजेंट की मिली भगत से सहारा कंपनी ने कॉपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करके, केवल सहारा कॉपरेटिव नहीं, ऐसे कई और कॉपरेटिव इन लोगों ने एक मन अपने आपसी साठगांठ में बनाकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ की जनता से उगाही करते हुए रुपयों को लिया है। और उन निवेशकों से जिनसे रुपये लिया गया है, उनको ये बताया गया है कि सहारा में आपका रकम जमा किया जा रहा है। जबकि वर्तमान में जब इनकी कागजातों को हम लोग देखें तो इनके सारे कागजात में सहारा सोसाइटी कॉपरेटिव का लिखा हुआ है। और सहारा कॉपरेटिव का अर्थ ये होता है कि जो कॉपरेटिव जो होते हैं उसमें मेंबर बनाया जाता है और मेंबर के ही लोगों के द्वारा ही पैसा लिया जाता है। तो इस संबंध में हम लोगों के द्वारा निवेशकों का उपस्थिति में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को सौंपा गया है और बताया गया है कि यह एक बहुत बड़ी साठगांठ के साथ लोगों से रुपया वसूली किया गया है। और इस पर केवल सहारा कंपनी के प्रबंधक ही नहीं, सोसाइटी के जो सारे मेंबर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जो कि इनका पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है सहारा के अधिकतर एजेंट, उनके ऊपर भी 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और 467 जो कूट रचना करते हुए लोगों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है और भटक रहे हैं, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो, अन्यथा इस विषय को लेकर हम लोग जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सहारा में 5 साल से जमा किया था सर, अभी तक पैसा तो मिला नहीं मेरे को। और हमारे घर का हर सामान भी करा है 2.5 लाख रुपया। कौन था एजेंट? परदेसी सर। अभी बोलते हैं 25 तारीख को मिलेगा, पेपर में दिया है, जाओ जमा कर क्यों कागज करके बहुत पास है। नाम बताइए। रंजीत सिंह। बहरहाल सहारा के निवेशकों ने रकम वापसी को लेकर एक बार फिर से पहल शुरू की है। देखना होगा रकम वापसी को लेकर शुरू किया गया यह प्रयास कितना कारगर साबित हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।